हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा? पढ़ाई वढ़ाई सब बढ़िया, एकदम मस्त चल रही बच्चों। तो बेटा, हम लोग आज से नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, और ये टॉपिक है फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, मतलब एक से ज़्यादा वेरिएबल के फंक्शन, या इसको मल्टी वेरिएबल थ्योरी ऑफ कैलकुलस भी कहते हैं, कैलकुलस की मल्टी वेरिएबल थ्योरी। जैसे बच्चों, हम लोगों ने पहले भी सिंगल वेरिएबल के फंक्शन पढ़े, जैसे वाई बराबर साइन एक्स क्या है, सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है। y बराबर एक्स स्क्वायर क्या है, सिंगल वेरिएबल का फंक्शन, इसमें एक ही वेरिएबल है क्या, एक्स स्क्वायर। अब हम लोग दो या तीन वेरिएबल के फंक्शंस को पढ़ेंगे, है ना? तो बच्चों, ये सारे के सारे वीडियो, ये वीडियो लगातार बनेंगे फंक्शन ऑफ मल्टी वेरिएबल के, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत से कंपटीशन में ये आता है, और अगर आप एससी एमएससी के सिलेबस में है या आपके इंजीनियरिंग के सिलेबस में, तो वहां भी आपको बेनिफिट करेगा, और बहुत से कंपटीशन में ये पूछा जाता है, ठीक है? तो इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, और इसकी एक अलग प्लेलिस्ट है, बिल्कुल, है ना, इसी नाम से, फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, है ना। आप अगर टाइप कर देंगे फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स बाय एच डी सर या बाय एच डी मैथमेटिक्स, तो ये प्लेलिस्ट निकल के आ जाएगी, है ना। तो फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स या मल्टी वेरिएबल थ्योरी, है ना, ये इस टॉपिक का नाम है। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं धूम धड़ाके के साथ, टेंशन नहीं लेना, सब समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। बाकी टॉपिक बहुत सारे मेरे और भी चल रहे हैं, उनके भी टॉपिक बना रहा हूँ, जैसे कि हम लोग यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के वीडियो भी आजकल चल रहे हैं, उनको भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, उसका प्लेलिस्ट है रियल एनालिसिस पे, जाइए रियल एनालिसिस बैच डी मैथमेटिक्स टाइप कर देंगे तो वो प्लेलिस्ट निकल के आ जाएगी। उसमें यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, सीक्वेंस है, सीरीज है, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है ना, बहुत सारे सीरीज ऑफ नंबर्स है, सीरीज ऑफ फंक्शन है, ग्रुप थ्योरी भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, लीनियर एलजेब्रा भी मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो जो भी आपको चाहिए वो टाइप कर दीजिए, और लास्ट में लिख दीजिए बाय एच डी मैथमेटिक्स, तो वो टॉपिक अपने आप ही आपको निकल के आ जाएगा। एमएससी की बात करें तो टोपोलॉजी है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री है, टेंसर है, बहुत से टॉपिक मैं अपलोड कर रहा हूँ अभी, सबके इस साल के लास्ट तक मैं आते आते मैक्सिमम टॉपिक को अपलोड कर दूंगा, उन्हें कंप्लीट भी कर दूंगा, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग शुरू करते हैं फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स या मल्टी वेरिएबल थ्योरी, ठीक है। इसमें बच्चों क्या होगा, देखो हम लोग मेनली टू या थ्री वेरिएबल्स को पढ़ेंगे, है ना। इसमें हम लोग मेनली टू या थ्री वेरिएबल्स के फंक्शंस को पढ़ेंगे। देखो क्या होता था, जैसे कि हम जब फंक्शन लिखते थे सिंगल वेरिएबल में, जैसे कि मान लो मैंने लिखा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, या इसी को हम वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन कह देते थे सिंगल वेरिएबल में। सिंगल वेरिएबल में एफ एक्स की जगह पर वाई हम लिख दिया करते थे, देखो ये सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है। तो जब फंक्शन निकलता था तो वहां पर हम उसकी डोमेन की, रेंज की, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इसका मैक्सिमा, मिनिमा, इसका इंटीग्रेशन, सारी बातें किया करते थे। वैसे ही बिल्कुल एग्जैक्टली जब हम डबल वेरिएबल का फंक्शन लेते हैं, देखो इसको ऐसे लिखते हैं एफ ऑफ एक्स वाई, यहाँ पर देखो दो दो वेरिएबल है ना, ऐसे जैसे मैंने कहा एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस वन, देखो ये डबल वेरिएबल का फंक्शन है, इसमें दो दो वेरिएबल है, तो इसको एफ ऑफ एक्स वाई या इसको जेड भी लिखा जाता है, जेड इक्वल टू दिस, देखो यहाँ पर दो दो वेरिएबल है, ठीक है। इसमें एफ एक्स का मतलब वाई होता था, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ एफ ऑफ एक्स वाई लिखते हैं, और इसकी जगह वाई नहीं लिख देना गलती से, यहाँ ऐसा होता था कि आप एफ एक्स की प्लेस पर वाई लिखते थे जब अकेला एक्स होता था। जैसे कि मान लो आपने लिखा कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, आप इसको सिंगल वेरिएबल है, आप इसी को वाई इक्वल टू साइन एक्स भी लिख दिया करते थे बात बराबर, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ आपको डबल डबल वेरिएबल या कई जगह आपको तीन वेरिएबल एक्स वाई जेड भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि मान लो तीन वेरिएबल का फंक्शन है, तो एफ ऑफ एक्स वाई जेड तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड, ये तीन वेरिएबल का फंक्शन हो गया। तो देखो ये डबल वेरिएबल के लिए भी हम वही सब बातें सीखेंगे, हालांकि हम डबल वेरिएबल में ज्यादातर जो बातें सीखते हैं वो लिमिट सीखते हैं, कंटिन्यूटी सीखते हैं, और इसका मैक्सिमा एंड मिनिमा सीखते हैं, और इसका इंटीग्रेशन भी सीखते हैं, है ना। डबल वेरिएबल में वो हर एक बात जो सिंगल वेरिएबल में सीखते हैं वो नहीं सीखते, मतलब उसका यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस नहीं होता। तो डबल वेरिएबल में मैक्सिमम चीजें जो हम सीखेंगे, जो अपने डबल वेरिएबल के फंक्शन हैं, इसमें मैक्सिमम चीजें हम सीखेंगे, एक तो हम लोग लिमिट सीखेंगे, दूसरा इन फंक्शन की कंटिन्यूटी सीखेंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएबिलिटी भी सीखेंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा भी सीखेंगे इसका, और इसका इंटीग्रेशन भी हम लोग सीखेंगे, है ना। वैसे सिंगल वेरिएबल में और भी बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, फंक्शन का डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ये बहुत डिटेल से मैंने पढ़ाया हुआ है। सिंगल वेरिएबल कहाँ पढ़ाया हुआ, क्लास ट्वेल्थ में, मैंने आईआईटी के भी वीडियो अपलोड किए हुए हैं, तो आईआईटी के वीडियो में तुमको ये हमारा सिंगल वेरिएबल फंक्शन डिटेल से मिल जाएगा,
ठीक है, क्योंकि वो भी कई जगह एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत से कंपटीशन ऐसे होते हैं जहां पर सिंगल वेरिएबल कैलकुलस भी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है बच्चों, देखिए अब क्या होता है बच्चों, जैसे कि हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े इसमें, अब हम लोग डबल वेरिएबल पर फोकस करते हैं। देखो क्या होता है, थोड़ी थोड़ी हर जानकारी हमको यहाँ पर लेनी है, थोड़ी थोड़ी हर नॉलेज हमको यहाँ पर होनी चाहिए। मैं चीजों को पुरानी चीजों से हमेशा रिलेट करता हूँ, जो हम पढ़ चुके हैं वो और जो आगे पढ़ना है उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है, क्या सिमिलरिटीज हैं, ये मालूम होना बहुत जरूरी है, तभी आपको इंटरेस्ट आएगा और तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे। अचानक कोई नई चीज आपके सामने आ जाएगी, आपको लगेगा अरे यार ये क्या आ गया, आप सीखना छोड़ देंगे। देखो ध्यान दो, जैसे आपको याद होगा हम लोग सिंगल वेरिएबल में क्या करते थे, देखो एक टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ पर देखते थे कि डोमेन। डोमेन का मतलब होता था कि एक्स की ऐसी वैल्यू जिस पर फंक्शन की वैल्यू निकले, फंक्शन की वैल्यू निकले मतलब एफ एक्स की वैल्यू निकले, तो एफ एक्स की वैल्यू निकले है ना, ऐसा एक्स जिसके लिए एफ एक्स निकले उसको हम डोमेन कहते थे। तो वहां पर हमें मेनली दो बातों का ध्यान रखना होता था, एक तो ये कि डिनोमिनेटर जीरो ना होने पाए। देखो जैसे इसमें अगर मैं एक्स को वन ले लूंगा तो एफ एक्स आप नहीं निकाल सकते क्योंकि वो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इसका मतलब एक्स को वन नहीं लेना है। तो इसका मतलब एक्स को लेना क्या है, वो सारे रियल नंबर में से वन निकाल दीजिए, ये एक्स हमें यहाँ पर लेना है ना, ये लेना है। मतलब आप सारे एक्स ले सकते हैं, सारे रियल एक्स ले सकते हैं, लेकिन अगर आप एक्स को वन लेंगे तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, है ना। तो ये इसका डोमेन हो गया, मतलब ये एक्स हम ले सकते हैं क्योंकि इस पर हमारा डिनोमिनेटर जीरो नहीं है। हाँ न्यूमरेटर जीरो हो जाए कोई दिक्कत नहीं, न्यूमरेटर जीरो हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात का ध्यान ये रखते थे कि मान लो हमने कोई फंक्शन ऐसे लिखा, अब रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए क्योंकि रूट के अंदर माइनस आ गया तो इमेजनरी हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलस जो है बेटा वो रियल पे ही चलती है। इमेजनरी नंबर केवल और केवल कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े जाते हैं, बस कॉम्प्लेक्स टॉपिक से आप बाहर निकले तो दुनिया की हर मैथ में आपको रियल नंबर ही चाहिए होते हैं, ध्यान रखना, है ना। तो जैसे यहाँ पर अंडर रूट है, तो जैसे कि मान लो अगर मैं एक्स को जीरो रख दूँ तो फंक्शन में रूट के अंदर निगेटिव हो जाएगा जो गलत है, है ना। तो x जीरो नहीं ले सकते, क्या ले सकते हैं, x को वन ले सकते हैं क्योंकि वन लेंगे तो रूट ऑफ जीरो, रूट ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो होगी, कोई दिक्कत नहीं। तो x को वन ले सकते हैं और वन से बड़ा भी ले सकते हैं आप, क्योंकि अगर आप x को वन से बड़ा कुछ भी लोगे तो रूट के अंदर पॉजिटिव आएगा, तो x को ले सकते हैं ग्रेटर इक्वल टू वन। तो ये हमारे इस फंक्शन का डोमेन हो गया, है ना। तो ये मैंने आपको IIT के जब वीडियो अपलोड किए थे वहाँ बहुत डिटेल से पढ़ाया था, अब थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दिया यहाँ पर भी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी जाके आप IIT वाले वीडियो 12th के पढ़ने लग जाइए, अगर आपके सिलेबस में है फंक्शंस ऑफ सिंगल वेरिएबल, अगर आपके सिलेबस में है तो जरूर जाके पढ़िए, लिख दीजिए फंक्शंस फॉर क्लास 12th एंड IIT बाय HD मैथमेटिक्स, निकल के आ जाएगा, उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, वहाँ सब कुछ है, ठीक है। अच्छा अब देखो सिमिलरली यहाँ पर भी जब हम डबल वेरिएबल का फंक्शन लेते हैं, जैसे कि मान लो मैंने डबल वेरिएबल का ये एक फंक्शन लिया एक्स माइनस टू वाई, ठीक। अब यहाँ पर क्या होता है, ये हमें खुद बता देते हैं कि एक्स क्या लेना है, वाई क्या लेना है, जनरली मतलब ज़्यादातर केसेस में ये हमें बता देते हैं कि आखिर एक्स क्या लेना है और वाई क्या लेना है, ठीक है। देखो ध्यान दो, अब मान लो इन्होंने हमसे कहा कि x 0 से 1 तक ले लीजिए और y भी 0 से 1 तक ले लीजिए। अब हमें देखना पड़ेगा कि यार ये वैल्यू क्या इस पर डिनोमिनेटर तो 0 नहीं हो जाएगा कहीं, ये देखना पड़ेगा। देखो इन्होंने क्या दे दिया, अब देखो यहाँ पर x y दोनों बातें दी जाती हैं क्योंकि डबल वेरिएबल का फंक्शन है। देखो जैसे इन्होंने हमें x क्या दे दिया, x दे दिया 0 से 1 तक, तो यहाँ पर x हो गया 0 से 1 तक, y क्या दे दिया 0 से 1 तक, ये हो गया 0 से 1 तक। तो देखो ये 0 से 1 तक x जाएगा और 0 से 1 तक y जाएगा, मतलब ये जो स्क्वायर बना ये इसका डोमेन हो गया, मतलब x की वैल्यू आप इसके अंदर कुछ भी यहाँ रख सकते हैं, है ना। और इसकी बाउंड्री पर भी, क्योंकि ये बाउंड्री भी हमें चाहिए क्योंकि इक्वल है भाई, x बराबर 0 भी चाहिए, x बराबर 1 भी चाहिए, y बराबर बाउंड्री वाले पॉइंट भी हम ले सकते हैं। तो ये जो स्क्वायर है ना ये इसकी डोमेन हो गया यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग। लेकिन ध्यान दो, जैसे कि अगर हम यहाँ पर x को ले लें 1 जो कि ले सकते हैं और y को ले लें 1/2 तो क्या होगा, x को 1 लेने पर क्योंकि x को 1 ले सकते हैं और y को 1/2 भी ले सकते हैं, तो ऐसा करने पर देखो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब ये दिया गया डोमेन गलत है, जो डोमेन हमें इन्होंने दिया है वो डोमेन गलत दे दिया,
क्योंकि डोमेन में कुछ ऐसा एक्स और वाई है जिसमें अकेला ही फंक्शन को खत्म करने के लिए काफी होता है। ध्यान रखना, अकेला एक्स अकेला वाई है और इसको डिनोमिनेटर को जीरो कर देगा, इसका मतलब ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो हमें जो डोमेन यहाँ दी जाती है वो सोच समझ के दी जाती है, और डोमेन जो है वो एक प्रकार का एरिया होती है यहाँ पर, क्योंकि एक्स की वैल्यू वेरी करती है, वाई भी वेरी करता है, दोनों चीज़ें वेरी करती हैं। तो यहाँ पर जो डोमेन होता है वो रेक्टेंगुलर या सर्कुलर या स्क्वायर टाइप का कुछ ना कुछ एरिया वो होगा, है ना। जैसे कि मान लो अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन दे दूं, मैंने कहा एफ ऑफ एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई। अब देखो यहाँ डिनोमिनेटर जीरो होने का तो कोई खतरा है नहीं, है ना। अब मैं डोमेन दे दूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेसर इक्वल टू वन, ये मैंने डोमेन दे दी। अब देखो ये डोमेन तुम्हारी सर्कुलर है, आपको मालूम है क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर वन, ये एक सर्कल का इक्वेशन होता है, आपको मालूम होगा, इसका सेंटर जीरो जीरो है, रेडियस वन है, आपने पढ़ा होगा ऐसा सर्कल होता है, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, सर्कल होता है। तो इससे अगर हम कंपेयर करें तो अल्फा भी जीरो है, बीटा भी जीरो है, अल्फा बीटा क्या होता है, सर्कल का सेंटर होता है, r की वैल्यू वन है, वो क्या होता है, रेडियस। तो इस सर्कल का सेंटर क्या है, बोलो, जीरो जीरो, और रेडियस कितना है, वन। तो देखो ये सर्कल है, मतलब ये डोमेन हमारी हो गई सर्कुलर, मतलब इस सर्कल के अंदर आने वाले सारे पॉइंट इसकी सेटिस्फाई करेंगे और वो करेंगे। और वैसे भी अगर ये डोमेन ना देते तो इसमें किसी भी, ये तो उन्होंने दे दिया तो हमने मान लिया, अगर एक्स वाई दे देंगे तो हम मान लेंगे, और अगर ये एक्स वाई ना देते तो अपनी तरफ से भी अगर हम देखें तो इसमें एक्स वाई कुछ भी रखो किसी वैल्यू से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर है ही नहीं जो जीरो हो, यहाँ पर डिनोमिनेटर था इसलिए उसके जीरो होने का खतरा था, और हमने देखा ये डोमेन गलत हो गई, क्योंकि एक्स की एक वैल्यू वाई की एक वैल्यू मिल गई जो डिनोमिनेटर को जीरो कर रही है। तो जब भी वो तुम्हें डोमेन देंगे तो अपने आप ही ऐसा देंगे कि भाई उस पर डिनोमिनेटर जीरो ना होने पाए, अपने आप ही बोल देंगे, इस बात का वो ध्यान खुद ही रखते हैं, तुम्हें जरूरत नहीं ध्यान देने की कि यार देखें डोमेन में क्या दिक्कत तो नहीं आ रही कहीं, ये सब तुम्हें ध्यान नहीं देना, वो किताब वाले जो देंगे, सवाल वाले देंगे, अपने आप ही तुम्हें ऐसा डोमेन देंगे कि एक्स वाई की किसी वैल्यू पर डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, और अगर अंडर रूट है तो रूट के अंदर नेगेटिव भी नहीं आएगा, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव आने का मतलब सब कुछ इमेजनरी जो गलत है, है ना। तो ये मतलब डोमेन इस टाइप से यहाँ हमें x और y की वैल्यू बेटा दी जाती है। लिखो जरा ध्यान से, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है। दो बच्चों, अब इसमें क्या होता है, डोमेन और रेंज की बातें डबल वेरिएबल में, ट्रिपल वेरिएबल में ज़्यादा नहीं की जाती, ना किसी सिलेबस में ये होता है। ये तो मैंने थोड़ा आपको आइडिया दिया है ना, जिससे कि हम समझें। यहाँ पर जो स्टार्टिंग होती है वो जनरली लिमिट से होती है कि भाई डबल वेरिएबल में हम लिमिट कैसे निकालेंगे, ये यहाँ पर स्टार्टिंग होती है जनरली लिमिट से। तो देखो लिमिट जो है वो हम कैसे निकालेंगे डबल वेरिएबल के केस में, है ना, लिमिट ऑफ डबल वेरिएबल फंक्शन, ठीक है, लिमिट ऑफ डबल वेरिएबल फंक्शंस। देखो समझो ध्यान से, देखो क्या होता है बच्चों, जैसे कि सिंगल वेरिएबल में जब आप लिमिट निकालते हो तो क्या करते हो, याद है आपको, जैसे कि मान लो अगर हम लोग एक लिमिट का क्वेश्चन करें सिंगल वेरिएबल का x टेंडिंग टू 1 x प्लस 1, तो आप कहते हो जी x को 1 रख दो, तो आपने x को 1 रख दिया और आंसर 2 आ गया, बहुत खुशी की बात हुई, मजा आ गया, आंसर निकल आया, ठीक। तो जब भी आपको लिमिट निकालना होता है, मान लो आपको x टेंडिंग टू 2 पर लिमिट निकालना है x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2, तो आप कहते हो x को 2 रख दो, तो रख दिया, ऊपर क्या आ गया 0 बाई 4, तो आंसर 0 आ गया, कोई टेंशन नहीं है ना। सिंगल वेरिएबल में जब भी आप लिमिट निकालते हो तो आप x की वैल्यू को पुट करते हो, और पुट करके आप ये देखते हो कि भाई आंसर क्या आ रहा है, ठीक है, अगर आंसर आ गया तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। देखो जैसे यहां पर आंसर आ गया, लेकिन देखो दिक्कत उस समय खड़ी होती है, जैसे मान लो तुम अगर लिमिट निकालो साइन एक्स बाई एक्स की, अब यहां पर प्रॉब्लम क्या होगी, अगर आप एक्स को जीरो रखोगे तो ये जीरो बाई जीरो फॉर्म बनेगी। अब जीरो बाई जीरो फॉर्म को अनडिफाइंड कहा जाता है, है ना, जीरो बाई जीरो फॉर्म क्या होती है, अनडिफाइंड। तो अब तुम एक्स को जीरो नहीं रख सकते,
अब क्या करते हैं कि भाई जब अनडिफाइंड बना, जैसे जीरो बाय जीरो बना, ये सब क्या होती है अनडिफाइंड फॉर्म, ठीक है। तो जब अनडिफाइंड बना तो तुम कहते हो कि भाई फैक्टर कैंसिल करो, या एक काम तुम ये करते हो कि इसमें डी एल हॉस्पिटल, ये रूल जानते हो ना, डी एल हॉस्पिटल, इसको वैसे डी लॉपिटल पढ़ते हैं, इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, डी लॉपिटल, ठीक है। हो सकता है लोग डी एल हॉस्पिटल कहते हैं या कई लोग एल हॉस्पिटल भी कहते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर जीरो बाय जीरो बने और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बने, तो अगर ऐसा बने तो, कब, जब आप लिमिट को रखो तब, तो आप ऊपर के फंक्शन का अलग कर सकते हो डिफरेंशिएशन और नीचे के फंक्शन का अलग कर सकते हो डिफरेंशिएशन। ये मैं सिंगल वेरिएबल का थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, क्योंकि इसी से कनेक्शन करके डबल वेरिएबल का बेटा पढ़ना है ना, बिना उसके हिंट के हम सीधे तुम्हें दो फार्मूले लिखा दें, चार सवाल लिखकर लाइन डिक्टेट कर दें, ऐसा होता है वैसा होता है, तुम्हें नोट्स समा दें, वो तो किताब में वैसे भी हैं, उससे कुछ नहीं, तुम खुद से नोट्स बनाओ, इसको पढ़ो और कॉपी पर लिखो और नोट्स बनाओ, तभी बेटा फ़ायदा है पढ़ने का। अदरवाइज़ फिर क्या होता है, लोग बीएससी एमएससी ये सब कोर्सेज तो कर लेते हैं, दुनिया भर के कोर्सेज करे बैठे हैं, फिर कहते हैं जी मैं बेरोजगार हूँ, नौकरी नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ा ही नहीं, आपको नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। अगर किसी बंदे को नॉलेज है और उसने नॉलेज के साथ पढ़ा है, समझ के पढ़ा है, अच्छे से एग्जाम में, चाहे नंबर जो भी है, नंबरों पे मत जाइए, आजकल प्राइवेटाइजेशन के दौर में नंबरों को कोई नहीं देख रहा, ठीक है। तो उस बंदे के लिए नौकरी की कमी नहीं है, आपके पास लॉजिक होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, समझ बूझ होनी चाहिए, है ना, ये बात ध्यान दो। तो इसलिए समझ के पढ़ना है बेटा, ये नोट्स चार सवाल रट करके पांच सवाल याद करके एग्जाम पास कर लेना, ये चीज़ें भूल जाइए, इससे बीएससी एमएससी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ना इंजीनियरिंग करने से फ़ायदा है, ना कुछ भी, ये सब चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, जमाना बदल गया, नॉलेज होनी चाहिए। कसम खा लीजिए कि मैं नॉलेज के साथ पढ़ूंगा, और मैं आपको बता रहा हूँ आपको हर बात समझ में आएगी, आप बस पढ़ना शुरू कर दीजिए वीडियो, जो जो मैं रेफरेंस दूँ उनको पढ़ लीजिए और सारे वीडियो पढ़िए, हर टॉपिक के वीडियो करीब करीब मैंने जितने भी टफ टफ टॉपिक थे सबके वीडियो करीब करीब मैं अपलोड कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा, जब तक कि पूरा बीएससी एमएससी का सिलेबस मैं एक एक बुक और एक एक अच्छे कॉन्सेप्ट और टॉपिक ना अपलोड कर दूँ, मैं अपलोड करता रहूँगा, ये चलते रहेंगे मेरे वीडियो, ठीक है ना। चलो खैर, तो क्या हुआ बच्चों, हमने लॉपिटल रूल लगा दिया। अब देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कॉस एक्स, और नीचे एक्स का क्या हो गया, वन, फिर एक्स को जीरो रख के देखा, अब क्या हुआ, कॉस जीरो की वैल्यू वन हो गई, तो देखो इसका आंसर वन आ गया। तो जैसे ही आंसर आया हमने कहा देखो हमारा आंसर आ गया। तो ये अपने आप में एक स्टैंडर्ड फार्मूला भी होता है कि भाई लिमिट एक्स टेंड टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू क्या होती है, वन होती है, ठीक है। तो क्या होता है जब अनडिफाइंड फॉर्म बनता है तो हम चक्कर में पड़ते हैं, जब तक अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बना हमें कोई टेंशन नहीं हुई, हमने सवाल को आसानी से कर लिया। तो जब अनडिफाइंड फॉर्म बना है तो हमें सोचना पड़ता कि क्या किया जाए, जैसे यहाँ लॉपिटल लगा दिया, कई जगह कुछ फैक्टर काट देते हैं ऊपर नीचे से, किए होंगे आपने छोटे मोटे सवाल ये सब। अच्छा, अब हम ज़्यादा बात करते हैं देखो डबल वेरिएबल में। देखो अब डबल वेरिएबल में भी यही चीज़ है क्या, देखो समझो ध्यान से, इसको लिखो जल्दी, मिटाता हूँ। एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर मैना हूँ, दूर दूर बैठे हैं दोनों प्यार, तो फिर भी है ना बोलो है ना, हो एक डाल पर। तुम लोग गाने वाले सुनते हो कि नहीं, अरे यार तुम लोग नए जमाने के गाने सुनते होगे, डीजे पे जो बजते हैं उसमें कुछ शब्द तो समझ में आते ही नहीं। अब मैं तो ठहरा भैया पुराना आदमी, तो पुराने ही गाने सुनूंगा, और तुम्हें बेटा गाने जो हैं वो मेरे साथ थोड़े बहुत सुनने पड़ेंगे मजबूरी में, क्योंकि जब मैं मिटाता हूँ तो बीच बीच में एक आध गाना सुना ही देता हूँ, बिना गानों के पढ़ाई नहीं पता, मज़ा नहीं आता लाइफ में। हालाँकि जब मैं लाइव क्लास पढ़ाता था तो मैंने ज़िंदगी में कभी गाना नहीं गाया, क्योंकि वहाँ सामने बच्चे बैठे होते थे, बेसुरा गाएंगे शर्म आएगी। अब यहाँ सामने कोई बैठा नहीं है, बाद में तुम्हें झेलना पड़ेगा वो अलग बात है, अब यहाँ तो मैं गा गू के निकल जाता हूँ कि भाई गाना गा दे, कि सामने कोई है नहीं, शर्म आती नहीं है, ठीक है। तो बस यही चीज़ है, क्या करें यार थोड़ा बहुत तो, और तुम भी मतलब थोड़ा एंटरटेन करके पढ़ो यार, ऐसे मतलब कोई पढ़ाई एक टेंशन मत ले लेना कि अरे यार क्या यार ये बवाल आ गया सिर पे, कुछ नहीं, इंजॉय करके पढ़ो, पढ़ाई इंजॉयमेंट का दूसरा नाम है, पढ़ाई में मैथ्स में इंजॉय करना सीखो, जब तक अपनी पढ़ाई में इंजॉय करना नहीं सीखोगे आप ज़िंदगी में पढ़ नहीं सकते,
क्योंकि जबरदस्ती आदमी कोई भी काम एक दो घंटे कर सकता है बस, और पढ़ना आपको दिन में 5-6-8 घंटे पड़ता है कम से कम। तो जो काम ज़्यादा टाइम के लिए करना होता है उसमें इंजॉयमेंट सीखो। इंजॉयमेंट कब आएगा? जब समझ के पढ़ोगे, चाहे एक ही सवाल लगाओ लेकिन समझ के लगाओ। दूसरों से अपने आप को कंपेयर मत करो कि वो तो दिन भर पढ़ता ना, हमें अगर आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटा, जैसे भी थोड़ी थोड़ी स्टार्टिंग करो लेकिन समझ के पढ़ो, आप देखना 5-6-8 महीने के बाद आप आगे निकल जाओगे, है ना। पेशेंस के साथ समझ समझ के इंजॉय करते पढ़ना, पढ़ाई को बोझ नहीं समझना, मैथ्स को बोझ नहीं समझना है, मैथ्स को इंजॉय करना है, ये बात दिमाग में बैठा दो। चलो फिर देखो, अब जैसे बच्चों क्या होता है, जैसे कि मान लो मेरे पास कोई भी फंक्शन है डबल लिमिट का, मतलब डबल वेरिएबल का, मान लो मेरे पास कोई फंक्शन है, ये मान लो मेरे पास कोई डबल वेरिएबल का फंक्शन है। अब देखो ऐसा होता है, डबल वेरिएबल के फंक्शन में दो प्रकार की लिमिट निकलती हैं। डबल वेरिएबल के फंक्शन में दो टाइप की बच्चों लिमिट निकलती है, एक निकलती है साइमल्टेनियस लिमिट, ठीक है, समझो साइमल्टेनियस लिमिट, या इसी को हम डबल लिमिट भी कहते हैं, डबल लिमिट। साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है? एक साथ, मतलब जैसे आपने कहा इसमें देखो ये सिंबल होता है एक्स वाई टेंडिंग टू ए कॉमा बी, मतलब एक्स वाई जो है वो दोनों एक साथ ए बी की तरफ जा रहे हैं। जैसे जब आप सिंगल लिमिट पढ़ते हो, मान लो आप लिखते हो एक्स टेंडिंग टू वन, तो इसका मतलब क्या, एक्स वन की तरफ जा रहा है, है ना, x कहाँ जा रहा है, 1 की तरफ। तो जैसे यहाँ पर अकेला वेरिएबल होता था, जैसे मान लो ये 1 है, तो अगर x 1 की तरफ जाएगा तो या तो राइट से जाएगा या लेफ्ट से जाएगा, तभी वहाँ पर कई बार राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट की बात भी की जाती है सिंगल वेरिएबल में। सिंगल वेरिएबल में कई बार राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट की बात की जाती है, तो उसमें देखा जाता है कि दोनों लिमिट बराबर हैं कि नहीं। जब दोनों लिमिट बराबर होती हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, जब बराबर नहीं होती तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है सिंगल वेरिएबल में, ठीक है, क्योंकि x 1 की तरफ जा रहा है। अब x जो है वो तो x एक्सिस पर ही चलेगा ना, वो यहां तो आ नहीं जाएगा। अब वो 1 की तरफ जा रहा है तो राइट से जा सकता है, लेफ्ट से जा सकता है, दो तरीकों से जा सकता है। तो ये सिंगल वेरिएबल के फंक्शन में राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की बात बताया ना, अगर आपको सिंगल वेरिएबल का कैलकुलस अगर आपके सिलेबस में है तो क्लास 12th में मैंने ये लिमिट को IIT लेवल से पढ़ाया, और IIT का अपना अच्छा खासा लेवल होता है, सारे वीडियो मैंने अपलोडेड हैं, लिमिट में जाकर के आप सिंगल वेरिएबल के लिमिट को और डिटेल से चाहो तो पढ़ सकते हो, अगर आपके सिलेबस में हो तो। ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, राइट हैंड लिमिट क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, क्लास 12th का लिमिट, क्लास 12th का तो नाम है वो IIT का वीडियो, IIT के लिए मैंने वीडियो अपलोड किया, अभी उसमें भी वीडियो अपलोड मैं कर रहा हूँ कई सारे, उसमें भी कुछ टॉपिक बाकी, लेकिन कैलकुलस तो खैर पूरा है, बेसिक तुम्हें पूरा मिल जाएगा जो तुम्हारे लिए काफ़ी होगा, ठीक है। वो तो खैर सिंगल वेरिएबल में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। अच्छा इसमें क्या होता है, देखो डबल लिमिट की जब हम बात करते हैं डबल वेरिएबल में, तो इसमें एक तो होता है साइमल्टेनियस लिमिट, इसमें तरीका ये होता है, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर लिखूं, देखो ऐसे लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंडिंग टू 0, 0, देखो ऐसे करके लिखा, इसका मतलब एक्स वाई 0, 0 पर जा रहा है, जैसे कि 0, 0 का मतलब क्या हुआ, 0, 0। तो अब x, y है, x, y का मतलब वो x, y यहाँ भी हो सकता है, x, y यहाँ भी हो सकता है, x, y यहाँ भी हो सकता है, तो ये x, y 0 की तरफ कई तरीकों से जा सकता है, कई तरीकों से जा सकता है, इनफाइनाइट तरीकों से ये 0 की तरफ जा सकता है। जैसे कि मान लो इस लाइन के अलोंग गया तो हम कहेंगे x, y इस कर्व के अलोंग 0, 0 पर पहुँचा, यहाँ पर ऐसे देखो ऐसे भी जा सकता है x, y देखो ऐसे भी जा सकता है, ऐसे किसी दूसरे कर्व के लॉन्ग भी, स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग भी जा सकता है, किसी कर्व की हेल्प से भी जा सकता है, मतलब x, y ओरिजिन की तरफ इनफाइनाइट तरीकों से जा सकता है। जैसे यहाँ पर तो x 1 की तरफ जा रहा था तो वो केवल दो ही तरफ से जाएगा, या तो राइट से या लेफ्ट से, क्योंकि x जो है वो x एक्सिस पर चलेगा, लेकिन ये तो पॉइंट है ना, x, y एक पॉइंट है, पॉइंट तो इस पूरे टू डायमेंशन में कहीं भी हो सकता है। तो जब हम 0, 0 की तरफ जाते हैं तो साइमल्टेनियस लिमिट का मतलब x, y एक ही साथ 0, 0 की तरफ चल रहा है, अब वो बहुत से कर्व के लॉन्ग चल रहा है, तो वो सारी चीजें हमें यहाँ देखनी पड़ती हैं कि भैया इस कर्व के लॉन्ग गया क्या होगा, तो इस कर्व के लॉन्ग गया तो क्या होगा, फिर इस कर्व के लॉन्ग गया तो क्या होगा, इस कर्व के लॉन्ग गया तो क्या होगा।
तो क्या होता है, वो इनफाइनाइट कर्व होते हैं। अब इनफाइनाइट कर्व हम देख तो सकते नहीं, तो उसके लिए कुछ रूल बनाए गए कि ये रूल अगर फॉलो होंगे तो लिमिट एग्जिस्ट करे, क्योंकि हर एक कर्व के लॉन्ग अगर हम 0-0 पर जाएं तो लिमिट सेम आनी चाहिए। जैसे यहाँ पर भी जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सेम आती है, जैसे यहाँ तो ज़रूरत नहीं है राइट और लेफ्ट लिमिट की, क्योंकि यहाँ तो लिमिट इसकी सीधे सीधे सीधी हो रही है। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की ज़रूरत कई जगह होती है, जैसे मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन में हम बिना राइट हैंड लिमिट के लेफ्ट हैंड लिमिट के सवाल नहीं कर सकते। जैसे ये देखो ये फंक्शन है, ये मॉडुलस फंक्शन है, इसका राइट हैंड लिमिट अलग आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट अलग आएगा। खैर हम इस पर ना जाना नहीं चाहते, क्योंकि अगर हम सिंगल वेरिएबल पर गए तो उसी में हमें 3-4 दिन लग जाएंगे। इससे सारे वीडियो अपलोडेड हैं, बताया क्लास 12 की लिमिट पर जाइए, अगर आपके सिलेबस में है तो पढ़िए, अदरवाइज डबल लिमिट पहले सीखिए। थोड़ा मैं हिंट देता हूँ और कुछ नहीं, क्योंकि बिना हिंट दिए हम चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, और कनेक्शन नहीं बनेगा तो पढ़ नहीं पाएंगे, ध्यान रखना, है ना। क्योंकि नदी के इस पार से उस पार तक जाना है तो एक ब्रिज चाहिए ना, एक ब्रिज चाहिए, कनेक्शन चाहिए कि उस पार कैसे जाएं। 12 तक नदी के इस पार था, आफ्टर 12 नदी के उस पार है, तो वही चीज़ें। चलो खैर, तो क्या होता है, हम इनफाइनाइट तरीकों से 0-0 की तरफ जा सकते हैं। तो हर एक तरीके से तो जा नहीं सकते, जैसे कि हम इस कर्व के लॉन्ग लें फिर इस कर्व के लॉन्ग लें, तो मतलब यहाँ पर ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि इनफाइनाइट तरीकों से हम 0-0 की तरफ जाके देखें। तो उसके लिए कुछ रूल बनाया गया कि अगर ऐसा ऐसा होगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और अगर ऐसा ऐसा होगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो वो रूल हमको पढ़ने में पढ़ाऊंगा आपको, तो ये बात ध्यान रखना। इसमें एक्स वाई जब ए बी की तरफ जाता है, जैसे यहाँ पर ए बी का मतलब ये 0-0, जैसे कि मान लो मैंने ये फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स वाई और यहाँ पर लिखा लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंडिंग टू ए बी, तो एक्स कॉमा वाई ए बी की तरफ जाएगा और वो इनफाइनाइट तरीकों से जा सकता है। तो फिर ये लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। तो किस कंडीशन में ये एग्जिस्ट करेगी, किस कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा बारी बारी से। तो मैंने समझाया कि एक तो यहाँ पर इस प्रकार की लिमिट निकलती है, डबल लिमिट, या जिसको हम साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस का मतलब एक्स वाई दोनों एक साथ चल रहे हैं और ए बी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, फिर देखो इसमें दूसरी जो लिमिट निकलती है वो निकलती है इटीरेटेड लिमिट या रिपीटेड लिमिट। डबल वेरिएबल की मैं बात कर रहा हूं, डबल वेरिएबल में एक तो लिमिट निकलती है साइमल्टेनियस लिमिट, ठीक है, देखो दूसरी लिमिट यहां पर निकलती है बेटा, दूसरे टाइप की लिमिट यहां पर निकलती है इटीरेटेड लिमिट या रिपीटेड लिमिट भी इसको हम कहते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान, है ना, इटीरेटेड लिमिट या इसको हम रिपीटेड लिमिट भी कहते हैं। ये बच्चों यहां पर दूसरे प्रकार की लिमिट है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें इस तरीके से लिखा जाता है, जैसे एफ एक्स वाई है, तो जैसे मान लो मैंने कहा लिमिट x टेंडिंग टू a और लिमिट y टेंडिंग टू b, देखो ऐसे यहां पर लिखा जाता है, ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ ये कि पहले y b की तरफ गया और पहले हम y टेंडिंग टू b पर इसकी लिमिट निकालेंगे, पहले हम y टेंडिंग टू b पर इसकी लिमिट निकालेंगे, जो आंसर मतलब पहले हम x को नहीं देखेंगे, y टेंडिंग टू b पर हम इसकी लिमिट निकालेंगे, है ना, और जो आंसर आएगा उसकी लिमिट x टेंडिंग टू a पर निकालेंगे बारी बारी से, जैसे कि हम सिंगल वेरिएबल में किया करते थे। अच्छा, इसी में देखो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि लिमिट y टेंडिंग टू b पहले कर दें फिर हम लिमिट x टेंडिंग टू a कर दें और f ऑफ x कॉमा y कर दें। इसमें क्या हुआ, पहले हम x टेंडिंग टू a पर इसकी लिमिट निकालेंगे, y को नहीं छेड़ेंगे, y को वैसे ही रखेंगे, है ना, ऐसे यहां पर जब हम y टेंडिंग टू b लिमिट निकाल रहे थे तो हम x को नहीं छेड़ेंगे, x को वैसे ही रखेंगे, फिर जब आप ये लिमिट निकाल लेंगे फिर आप x को a रखे लिमिट निकालेंगे, यहां उल्टा करना है। अच्छा, और ध्यान दो, ये दोनों बातें भी अलग अलग होती हैं, जरूरी नहीं है कि दोनों का आंसर सेम आए, हाँ सेम आ भी सकता है, बल्कि कई बार तीनों का आंसर भी सेम आ जाता है और कई बार तीनों का आंसर अलग अलग भी आ जाता है। तो हर चीज अपने आप में अलग अलग है, ये अलग है, इसको हम कहते हैं, ज्यादातर यही आता है हमारे सामने, और ये इटीरेटेड लिमिट भी आता है। तो सबको निकालने के तरीके हम लोग बारी बारी से यहाँ पर सीखेंगे कि डबल लिमिट कैसे निकालते हैं, इटीरेटेड या रिपीटेड लिमिट हम लोग कैसे निकालते हैं, हर चीज अपने आप में अलग है, इस बात को समझना ध्यान से। तो पहले तो ये समझो कि भाई क्या क्या यहाँ लिमिट में चीजें हैं।
क्योंकि मेनली यहाँ पर लिमिट में लिमिट है, कंटिन्यूटी भी है, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएबिलिटी भी है, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर मैक्सिमा एंड मिनिमा है, फिर इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन भी है डबल लिमिट का, डबल लिमिट का डिफरेंशिएशन, सॉरी डबल वेरिएबल का डिफरेंशिएशन भी है, वही जो पार्शियल डिफरेंशिएशन वगैरह होता है, तो वो भी चीज़ें हमें सीखनी है, वहाँ पर डिफरेंशिएशन भी हम लोग करते हैं, ठीक है ना। देखो अब सबसे पहला बच्चों काम हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहला काम हम साइमल्टेनियस लिमिट को निकालना जरा सीखें। तो सबसे पहले हम साइमल्टेनियस लिमिट को निकालना सीखें। देखो साइमल्टेनियस लिमिट को सबसे पहले हम निकालना सीखें, फिर हम लोग बाद में रिपीटेड लिमिट को भी सीखेंगे। देखो सबसे पहले क्या होता है, जैसे मान लो मैंने आपको एक यहां पर क्वेश्चन दिया, मान लो मैंने क्वेश्चन दिया x प्लस वाई और x कॉमा वाई टेंडिंग टू 0.5। इसका मतलब ये हुआ कि x कॉमा वाई ए बी की तरफ जा रहा है, भाई x ए की तरफ जाएगा, y b की तरफ जाएगा, लेकिन कुल मिला के दोनों एक साथ जो है वो a कॉमा बी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। x कॉमा वाई एक जनरल पॉइंट है जो ए बी की तरफ जा रहा है, ठीक है। देखो अब जैसे वहां पर भी था, सिंगल वेरिएबल में भी था कि जब तक अनडिफाइंड ना बने, जब तक 0/0 ना बने हमें कोई टेंशन नहीं। देखो जैसे हम इसमें क्या करेंगे, x को रख देंगे 0 और y को रख देंगे हाफ, तो क्या हुआ 0+2 और वैल्यू हाफ आंसर आ गया, कोई टेंशन नहीं, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। जब तक अनडिफाइंड ना बने हम कोई टेंशन नहीं पालेंगे, मतलब यह है कि लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करेगी जब तक अनडिफाइंड ना बने, कोई भी सवाल ले लो। तो जब तक हम इस प्रकार के सवाल लेते रहें कि जिसमें लिमिट जो है, जैसे मान लो x कॉमा वाई है, ये जा रहा है 0-0 की तरफ, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसकी लिमिट निकालनी है, कोई टेंशन नहीं, x को रखो 0, y को रखो 0, तो आंसर आ गया 0, लिमिट एग्जिस्ट कर रही, कोई बात नहीं। जब तक अनडिफाइंड ना बने आप सीधे सीधे x y की वैल्यू रख करके लिमिट को निकाल सकते हैं। मान लो ये है 4x+3y, ये मेरा फंक्शन है, तो कोई दिक्कत नहीं, x को रखो 1 तो 4 हो गया, और y को रखोगे 2 तो 6 हो गया, तो आंसर 10 आ गया। जब तक अनडिफाइंड ना बने तब तक हम लिमिट को इसी तरीके से निकालते रहेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, जब तक कि अनडिफाइंड ना बने। देखो जरा बच्चों इसको ध्यान से, मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा, मेरे नैना। देखो ध्यान दो, ऐसे ये है x इंटू वाई है, तो x को रखो 2 और y को रखो 3, आंसर क्या आ गया 6, बहुत इजी बच्चों वाले सवाल। जब तक अनडिफाइंड ना आए आप सेम मेथड से x y को पुट करके लिमिट को हमेशा निकाल सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मान लो ये सवाल होता, लिमिट x कॉमा वाई टेंडिंग टू -1 कॉमा, कोई भी सवाल ले लो, x क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, x को रखोगे -1 तो -1 की पावर 3, y को रखोगे 2 क्योंकि x जा रहा है -1 की तरफ, y जा रहा है 2 की तरफ, ठीक है, तो 2 की पावर 3, और नीचे क्या हो गया -1 का स्क्वायर और 2 की पावर 2 यानी कि 4, तो क्या हो गया -1+8/1+4, तो आंसर क्या आ गया 7y5 आंसर आ गया, बहुत इजी, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। बोलो बच्चों काफी इजी क्वेश्चन है। तो जब तक अनडिफाइंड ना बने आपको टेंशन पालने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे लिमिट का आंसर निकालिए और मौज करिए। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, लिमिट x कॉमा वाई टेंडिंग टू 0 log(2)e और लिमिट निकालनी इसकी है e^x-y की लिमिट निकालनी है, मतलब तो क्या करना है, x को रखना है 0 और y को रखना है log(2)e, क्योंकि x जा रहा है 0 की तरफ, y इसकी तरफ है ना, तो e की पावर में है। अब देखो क्या हुआ, e की पावर माइनस log(2)e, ये क्या हुआ e की पावर माइनस ऊपर लेगा,
तो 2 की पावर माइनस 1 बेस e, तो देखो ये सेम है, जैसे जब भी कभी सेम हो, a की पावर log b बेस a, तो हमेशा क्या होता है b, ये log की एक प्रॉपर्टी होती है, दोनों सेम है, तो 2 की पावर माइनस 1 आंसर क्या हो गया 1/2, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो जब तक कि आपका अनडिफाइंड ना बने तब तक आप जो है वो लिमिट को डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जब तक कि अनडिफाइंड ना बने, ठीक है। देखो अब मेन प्रॉब्लम कब आती है, जैसे कि मान लो मैंने ये क्वेश्चन किया एक्स कॉमा वाई और 0,0 और एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, मान लो मैंने ये क्वेश्चन किया। अब इसमें क्या होगा, एक्स को रखो 0 और वाई को रखो 0, तो देखो 0/0 फॉर्म आ गई, अनडिफाइंड फॉर्म आ गई। तो बस अब समझ लो कि प्रॉब्लम शुरू हो गई, है ना। जब अनडिफाइंड फॉर्म आ जाए तो थोड़ा सा अब हमें कुछ मेथड सीखने हैं। अब यहां पर वो मेथड नहीं चलते जो सिंगल वेरिएबल में चलते हैं, कौन से, जैसे लॉपिटल रूल आप लगाते हो सिंगल वेरिएबल में, वो यहां नहीं चलता। जैसे कि आप सिंगल वेरिएबल में फैक्टर कैंसिल करने का मेथड लगाते हो, वो कई बार यहाँ चल जाता है। फैक्टर कैंसिल मैं आपको समझाऊंगा, फैक्टर कैंसिल करने वाला मेथड यहाँ पर चल जाता है, लेकिन ये सब कब, जब अनडिफाइंड बने तब। अनडिफाइंड नहीं बना, सीधे रखकर आंसर निकालो, कोई टेंशन नहीं, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। जब अनडिफाइंड बनता है बेटा, तो बस आपको ध्यान रखना है कि भाई अब हम क्वेश्चन को कैसे करें। मान लो हमने लिया एक्स कॉमा वाई 1,-1, ठीक है। तो यहां पर मान लीजिए x प्लस वाई हो गया और यहां पर मैंने ले लिया x माइनस वाई, ठीक है, ऐसे मान लो मैंने ले लिया। अब देखो यहां पर भी क्या होगा, अगर हम x को रखेंगे 1 तो ऊपर 0 और x को रखोगे 1 y को माइनस 1 तो नीचे भी 0, देखो अनडिफाइंड बन गया। तो जब अनडिफाइंड फॉर्म बने तो अब हमें, जब देखो अब ध्यान रखना, अभी हम लोग डबल लिमिट सीख रहे हैं, रिपीटेड लिमिट भी हम लोग सीखेंगे, लेकिन पहले डबल लिमिट। तो जब अनडिफाइंड बने तो क्या करना है, अब इसके लिए आपको अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। मैं सारा पढ़ाऊंगा, पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना सारे वीडियो किस प्लेलिस्ट में जाएंगे, कौन सी प्लेलिस्ट है, फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल, है ना, बाय एच डी सर लिख दो या एच डी मैथमेटिक्स लिख दो, तो आपको इस पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। रियल एनालिसिस की एक अलग प्लेलिस्ट है, हालांकि ये टॉपिक भी रियल का है, लेकिन इसको मैं अलग प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ, ठीक है ना। रियल एनालिसिस की एक अलग प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में सीक्वेंस है, सीरीज अभी पढ़ाना बाकी है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पढ़ चुके हैं हम लोग, और सीरीज ऑफ फंक्शन वहाँ पर अभी चल रहा है जिसमें यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस वगैरह मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, वो एक अलग प्लेलिस्ट है, उसका नाम है रियल एनालिसिस बाय एच डी मैथमेटिक्स। इस प्लेलिस्ट का क्या नाम है, फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स या मल्टी वेरिएबल कैलकुलस बाय एच डी मैथमेटिक्स, ठीक है। तो आगे के वीडियो बेटा आएंगे, आते रहेंगे, टेंशन नहीं पालना, पूरा कंप्लीट करूंगा, पूरा समझा कर पढ़ाऊंगा, परेशान नहीं होना है, ठीक है। हर एक एक डाउट आपका, एक एक प्रॉब्लम दूर होगी, बस आप वीडियो देखते रहिए और सही प्लेलिस्ट को पढ़ते रहिए। और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट में पढ़ा रहा हूँ, ग्रुप थ्योरी है, लीनियर एलजेब्रा है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है, टोपोलॉजी है, टेंसर है, बहुत सारे टॉपिक बेटा मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।